जतारा में कल 20 जुलाई को 83 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। जतारा एसडीएम संजय कुमार जैन ने बताया कि नगरीय निकाय के द्वितीय चरण चुनाव का मतदान स्थल का निरीक्षण किया गया एवं मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण पर हैं तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नगरीय निकाय के द्वितीय चरण चुनाव की मतगणना बालक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जतारा में किया गया है, जिसकी मतगणना कल 20 जुलाई को होना है, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम संजय जैन, तहसीलदार दिव्या जैन, एसडीओपी दिलीप पांडे, नगर परिषद सीएमओ सीवी उपाध्याय और थाना प्रभारी त्रिविंद त्रिवेदी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। नगर परिषद में 15 वार्डों की मतगणना 20 टेबल पर की जाएगी, जिसमें कुछ वार्डों में दो बूथ होने के कारण एक्स्ट्रा टेबल लगाए जाएंगे। आप जैसा देख रहे हो, कल दिनांक 20 जुलाई को होने वाली मतगणना के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और हम अपने ज़िले के जितने भी 6 नगरी निकाय हैं, इंक्लूडिंग टीकमगढ़ नगर पालिका, सभी जगह विजिट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। और इसमें कितने बजे से समय रहेगा आने के लिए? सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से 8 बजे से प्रवेश दिया है सभी को, गणना कर्मियों को और अपने जो अभ्यर्थी और उनके मतगणना एजेंट हैं उनके लिए। सबसे पहले निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र की गणना करेंगे और वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर ईवीएम में। तो जतारा में मैक्सिमम 2 राउंड हैं, ज़्यादातर वार्डों में 1 राउंड में ही हो जाएगी। 2 वार्ड ऐसे हैं जिनमें 2 राउंड में भी मतगणना चलेगी। जो जैसे अभी पंचायत चुनाव में जो गड़बड़ियाँ हुई थी, तो क्या इसमें तो नहीं होगी मतगणना में कोई गड़बड़ी? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी पंचायत चुनाव में। पंचायत चुनाव काफ़ी अच्छी तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ था। एक लिपि की त्रुटि जरूर जतारा क्षेत्र की प्रकाश में आई थी, जिसको कि पंचायत निर्वाचन नियम 84 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए संशोधित किया गया। मतगणना, जैसे आप जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के घोषित कार्यक्रम के अनुसार फेज 2 में नगर पालिका चुनाव में कल मतगणना होनी है। हमारे इधर जतारा नगर परिषद के अंतर्गत 15 वार्ड हैं, जिसमें 20 मतदान केंद्र हैं और टोटल 20 मतदान केंद्र के अंतर्गत 15 वार्ड के अंतर्गत 83 अभ्यर्थी हैं, जिनके भाग्य का फैसला कल होना है ईवीएम के माध्यम से। तो आप देख रहे होंगे तैयारी हमारी पूरी है। इसमें हमने 3 कक्ष बनाए हैं जहाँ पर मतगणना होनी है। प्रत्येक कक्ष में 5 5 टेबल हैं, इस प्रकार 15 वार्ड की 15 टेबलें लगेगी। वार्ड क्रमांक 2 3 5 और 12 और 14 में 2 राउंड की गणना होगी, इसके बाद इनके परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो जो भी परिणाम हमारे आएंगे, प्रारूप 21 का होता है जिसमें मतगणना परिणाम आता है, उसकी हम IMS पोर्टल होता है उस पर एंट्री कराएंगे और मैनुअल भी उसकी एंट्री कराएंगे। इसके बाद दोनों का क्रॉस मैच करेंगे और जो मतलब मैच करने के बाद उसकी जांच करने के बाद ही उसकी IMS में एंट्री कराएंगे और एंट्री कराने के बाद ही प्रारूप जनरेट हो जाएगा, जिसको प्रमाण पत्र बोलते हैं, प्रारूप 24। और मतगणना के कुछ समय पश्चात जब हमारा पूरा निश्चित हो जाएगा कि सही है, उसके बाद हम प्रमाण पत्र भी, जो निर्वाचित पार्षद हैं उनको हम प्रमाण पत्र भी देंगे जीत का, विजय का। अभ्यर्थी कितने बजे से यहाँ प्रवेश करेगा सर? ये हमारा मतगणना का काम सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा, तो 8 पौने 8 बजे के आसपास वो लोग आ सकते हैं। मतगणना हमारी टीम भी 7:30 बजे के आसपास पूरी आ जाएगी और 8 बजे से हम मतगणना का काम शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम EDB जो मतपत्र होते हैं उनको खोलेंगे, उनकी गणना होगी, उसके पश्चात फिर EVM से गणना होगी, CU से। थैंक यू। जतारा से UD न्यूज़ के लिए लाली झा की रिपोर्ट।